नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। इस खबर को वो लोग जरूर देखें जो लड़कियों को अभिशाप मानते हैं और जन्म से पहले ही मौत दे देते हैं। गुरु की नगरी अमृतसर में रहने वाली एक बेटी डॉक्टर रेणु गिल सीमा सुरक्षा बल पे बतौर कमांडेंट सिलेक्ट हो गई है। स्थानीय यासीन रोड में रहने वाले मोहन लाल, जो कि मोहना पहलवान के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, कि बेटी व परिवार के बच्चों में चौथा स्थान रखने वाली 29 वर्ष की डॉक्टर रेणु गिल नियुक्ति बीएसएफ में बतौर कमांडेंट हुई हैं। डॉक्टर रेणु गिल ने बताया कि बीएसएफ में उन्हें असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर, मेडिकल ऑफिसर के तौर पर उत्तरी बंगाल की सिलीगुड़ी के बीएसएफ के अस्पताल में पहली तैनाती दी गई है। रेणु जर्नल एमबीबीएस की डॉक्टर है और डॉक्टरी पढ़ाई उन्होंने यूक्रेन में हासिल की है। आइए सुनते हैं डॉक्टर रेणु गिल को और उनके परिवार को। मैं ACMO ली सिलेक्ट हुई सी, असिस्टेंट कमांडेड एज अ मेडिकल ऑफिसर इन BSF। साड़ी ट्रेनिंग 3 महीने पहले शुरू हुई सी। जो मेरी सिलेक्शन हुई उदों नूं पता नहीं सी कि ट्रेनिंग किस तरह की होएगी, पर उत्थे जाके जो साड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, पर थोड़ा थोड़ा हैक्टिक भी रहा वा, फील भी हुंदा सी कि नहीं हुण नहीं हो जांदा, पर नहीं, उत्थों दे जिन्ने उस्ताद सी साडे, जिन्ने भी इंस्ट्रक्टर सी, सारे ने साडा बहुत सपोर्ट किया। सानू पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करन च उन्होंने बहुत वड्डा उन्हों का योगदान सी। जदों भी आपां थोड़ा जिहा कमज़ोर फील करते सी तो सानू मोटीवेट करते सी साडे जिन्ने भी इंस्ट्रक्टर, मैं उन्होंने सारयां दा धन्नवाद करदी हाँ कि उन्होंने मैनू बहुत मदद की, कि मैनू लास्ट मूमेंट तक मैनू हर वे च मैनू बूस्टअप किया। उस तो इलावा जो ट्रेनिंग खत्म करके आए बहुत खुशी हुई, घरदियां नू भी बहुत खुशी हुई कि मेरे फादर ते मेरा ब्रदर आए सी उत्थे। जदों मेरा रैंकिंग होना सी ते इन्होंने मेरी रैंकिंग की, तो मैं बहुत खुशी हुई कि उत्थे जो सारे मिल के सैरामनी च आए से। फैमिली का हमेशा मैं सपोर्ट रहा, मेरे पेरेंट्स हमेशा जिते भी मैं जावा उत्थे मेरे नाल जाते रहे ने। हाँ जी, जिमें कि मैं तुम दसदी हाँ कि मैं अपने घर में मेरे तो व्डिया 3 भैन आई हैं, मैं 4th नंबर पर हाँ। तो मैं नहीं मानती कि मुंडे कुड़ी कोई कि वह ज़्यादा होंगे ने या कुड़ियाँ घट कमज़ोर होंगे, ये सारी विल पावर तो होंगी है। जो कुड़ी चाहे तो वह मतलब कि वधिया तो वधिया रैंक च भी पहुँच सकती है। तो यह ज़्यादा प्रोमो होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो चाहे तो बहुत वे वे रैंक भी जा सकते हैं, सिर्फ विल पावर के उत्ते है कि वह सब कुछ कर सकते। बहुत वधिया, मेरिया 4 बेटियां ने, चारों बहुत ज़्यादा पढ़िया ने अच्छिया। एक और डॉक्टर हैगी है, ये भी अफसर बन गई है। दूजिया ने भी डबल MA कीतिया ने, तो बहुत खुशी होंगी है मन कि इन्नी खुशी है जिदा कोई अंत नहीं है। तो इस कुड़ी अफसर बनी ये ना, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई है। पर जिदा घर 4 बेटियां होने वो वास्ते बड़ा मुश्किल होंगे, पर चलो मेरे पति ने भी नाल मेरा बड़ा संजोग दिता, बच्चे पढ़े ने चले ने, 4 बेटियां साड़िया बड़िया अच्छी बेटिया नाल वध के बेटिया ने, है ना। वो लोग एवं गलती करते भी बेटे बेटे बेटिया को कुछ भी नहीं, जो बेटिया को है जी। मान कितना क वधिया? बहुत, मेरा तो इन्ना मान वधिया भी मेरा पूछो ही कुछ ना। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई लड़कियां देश का नाम रोशन कर चुकी हैं, चांद तक जा चुकी हैं। इस खबर को दिखाने का मकसद है लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं है, लड़कियों का सम्मान करो। अमृतसर से हदेवाला की खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।